Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Rabbi zidni ilma. Assalamu alaikum. Thanks to watching my channel. It's teacher time. आज मैं आपके लिए long division के लेकर आई हूँ और बहुत आसान method है. देखिए और बताइएगा. Okay.
बड़ा काम किसने किया है लॉन्ग डिवीजन में? सबसे पहले कौन काम करता है? डैडी। डैडी क्या काम करते हैं? डिवीजन का काम करते हैं। आपको द डैडी द डिवीजन अच्छा याद हो जाएगा। दूसरे नंबर पे जो काम करती है वो मम्मी करती है, यानी कि सेकंड स्टेप जो करेंगी लॉन्ग डिवीजन में वो मम्मी करेंगी। और मम्मी क्या काम करेंगी जी? तो देखिए कौन सा साइन है? ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है। तो मम्मी क्या काम करेंगी? मम्मी मल्टीप्लाई का काम करेंगी। मम्मी बहुत ज्यादा प्यार करती है ना, तो हर चीज को मल्टीप्लाई कर देती है। तो अब यहाँ पे भी मम्मी जो है लॉन्ग डिविजन में मल्टीप्लाई का काम करेंगी। कौन सा काम करेंगी? मल्टीप्लाई जी। आप ये देखिए, मम्मी क्या कर रही है यहाँ पे? 75 डिवाइडेड बाय 3 जो का हमने डैडी ने डिवाइड का काम किया था, उसके नेक्स्ट स्टेप को, उसी काम को कंटिन्यू मम्मी करेंगी। और मम्मी ने क्या किया है? मम्मी ने 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया है। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6। 3 2 टाइम 6 और 2 3 टाइम 6, सेम आंसर। तो तीसरे नंबर पे कौन काम करने आई है? देखिए ये लोग एक काम को कैसे डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले डैडी आए, डैडी ने इसमें डिवीजन का काम किया, फिर उसके बाद मम्मी ने उसी में ही फौरन मल्टीप्लीकेशन का काम किया और मल्टीप्लाई कर दिया। और अब बाकी काम कौन करेगा? कौन आता है, ये कौन है? ओके, तो तीसरे नंबर पे कौन काम करने आई है? देखिए ये लोग एक काम को कैसे डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले डैडी आए, डैडी ने इसमें डिवीजन का काम किया, फिर उसके बाद मम्मी ने उसी में ही फौरन मल्टीप्लीकेशन का काम किया और मल्टीप्लाई कर दिया। और अब बाकी काम, ओके, तो तीसरे नंबर पे कौन काम करने आई है? देखिए ये लोग एक काम को कैसे डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले डैडी आए, डैडी ने इसमें डिवीजन का काम किया, फिर उसके बाद मम्मी ने उसी में ही फौरन मल्टीप्लीकेशन का काम किया और मल्टीप्लाई कर दिया। और अब बाकी काम कौन करेगा? कौन आता है, ये कौन है? सिस्टर। हाँ जी प्यारे साथी, जल्दी से बताएं इसे कौन पहचानता है, कौन कौन पहचानता है कि ये कौन सा साइन है? सब्ट्रैक्शन, ये माइनस का साइन है। ये क्या काम करता है? सब्ट्रैक्शन। अच्छा, अब सिस्टर जो है वो क्या काम करने आई है? आपने फौरन गेस कर लिया, वो सब्ट्रैक्ट करेंगी, सब्ट्रैक्शन का काम करेंगी। क्वेश्चन में देखिए हम क्या कर रहे हैं। आपने देखा सबसे पहले डैडी आए, डैडी ने डिवीजन का काम किया 75 डिवाइडेड बाय 3, उसके बाद मम्मी आई और उन्होंने इसको कंटिन्यू करते हुए मल्टीप्लाई किया 3 2 टाइम 6। और अब सिस्टर आके सब्ट्रैक्शन का काम करेंगे, वो सब्ट्रैक्ट करेंगी 7 आउट ऑफ 6 और आएगा इसके नीचे 1। तो सब्ट्रैक्शन का मेथड कंप्लीट हो गया। ब्रदर ब्रिंग डाउन, यानी ब्रदर जो है वो जितना काम डैडी मम्मी और सिस्टर ने कर लिया है, अगर कुछ बचता है तो उसे उठा के नीचे ले आए। अच्छा अभी आपको समझ आ जाएगा, साफ लेकिन जरा और से देखिएगा, आप और से देखिए। हमारे पास सबसे पहला काम किया था, हमने डिवाइड किया था, डैडी ने डिवाइड का काम किया था 75 डिवाइडेड बाय 3। उसके पहले स्टेप में उन्होंने लिखा था 75 डिवाइडेड बाय 3 और हमने 7 को 3 से डिवाइड करना था। उसके बाद मम्मी आई, मम्मी ने मल्टीप्लीकेशन का काम किया और उसमें मम्मा ने 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6 आया और हमने उसको मेथड के साथ मुताबिक लिख दिया। उसके बाद कौन आया था? सिस्टर। सिस्टर ने 7 को 6 से माइनस किया और 1 ले आए। अब ब्रदर आया, अब आप गौर से देखें ब्रदर का काम क्या है? ब्रिंग डाउन। एरो देखिए कहाँ है? यस, ब्रदर ने 5 को उठाया और उसको नीचे ले आए, 1 के साथ लिख दिया। दिस इज कॉल्ड ब्रिंग डाउन। और यहाँ ब्रदर का काम खत्म हुआ। ओ ये क्यूट क्यूट आ गया अभी फैमिली में।
इसका भी काम ऐसा ही है जो आर से ही आता होगा। जी, आर फॉर रैबिट और रैबिट का काम है रिपीट। रिपीट यानी कि रिपीट द प्रोसीजर। ये याद दिलाता है कि अब आपने दोबारा से सारा काम करना है। ये डैडी, मम्मी, सिस्टर और ब्रदर को जोर जोर से बोल के कहते हैं रिपीट द प्रोसीजर। लॉन्ग डिवीजन में अब अगेन नाउ यू हैव टू रिपीट द प्रोसीजर। देखिए, हमने ब्रिंग डाउन में 5 नीचे लेकर आए थे, उसके बाद वो 15 बन गया। अब हम दोबारा से रिपीट द प्रोसीजर के मुताबिक सबसे पहले डिवाइड करेंगे, और डिवाइड के लिए हम क्या सिलेक्ट करेंगे, 15 डिवाइडेड बाय 3। तो उसके बाद मम्मी आएंगी, मम्मी बताएंगी कि अब मल्टीप्लाई करना है। 15 कहाँ आता है 3 की टेबल में, 3 5 टाइम्स 15। मल्टीप्लाई करने के बाद सिस्टर आएंगी और 15 को 15 से सब्ट्रैक्ट कर देंगी, और क्या होगा उसके बाद, उसके बाद हम जो ब्रदर ब्रिंग डाउन डाउन का काम है, ऊपर कुछ बचा है नहीं, 0, तो 0 आ जाएगा नीचे, और माइनस में भी 0 आया। और यहाँ इस वक्त लॉन्ग डिवीजन का प्रोसीजर खत्म हुआ। अगर क्वेश्चन लेंदी हो तो मजीद लॉन्ग डाउन का प्रोसीजर इसी तरह चलता चला जाता है। ओके, आर यू रेडी टू सॉल्व इट? एक नया सम है, अब आपने इसको देखना है, इस नए क्वेश्चन को, कि हम यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग डिवीजन फैमिली। बहुत इजी केस। सबसे पहले डैडी, डी से डैडी आता है और डी से ही डिवाइड आता है। तो पहला काम हम क्या करेंगे, ये टोटल क्वेश्चन जो है 1641, इसमें से हम डिवीजन किस तरह करेंगे। सबसे पहले हम 16 को डिवाइड करेंगे 3 से, ठीक है, और ये डैडी का प्रोसीजर। इसके बाद हमारे पास आती है मम्मी, एम फॉर मम्मी, एम फॉर मम्मी का काम भी मल्टीप्लीकेशन, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन। अब हमने देखा 16 की उसकी करीब करीब 3 के टेबल में क्या है, नियरेस्ट नंबर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 15। हमने 15 से मल्टीप्लाई 3 को 5 से मल्टीप्लाई करके 15 का आंसर यहाँ पुट कर दिया। अब आ गई डॉटी वी सिस्टर। ऐसे सिस्टर और सिस्टर का काम एस फॉर सब्ट्रैक्शन। सिस्टर ने फौरन 16 को 15 से सब्ट्रैक्ट किया और आंसर आया 1। अब ब्रदर आया और ब्रदर ने अपना काम किया ब्रिंग डाउन का, ऊपर से 4 नंबर को लेकर नीचे लेकर आया, और यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये पहुंचा तो रैबिट ने फौरन का नाउ रिपीट द प्रोसीजर। फर्स्ट फादर डैडीज वर्क डिवाइड, हमने डिवाइड किया 14 और 3 को डिवाइड करना है। मम्मी ने कहा मल्टीप्लाई करो, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 12। सिस्टर ने कहा सब्ट्रैक्ट करो, 14 में से 12 सब्ट्रैक्ट हुआ और आया आंसर 2। ब्रदर ने फौरन से ऊपर से एक और नंबर जो रह गया था 1 लेकर नीचे आया, यानी ब्रिंग डाउन का प्रोसीजर किया, और ये बन गया 21। 21 को जैसे ही देखा तो रैबिट ने कहा रिपीट द प्रोसीजर, रिपीट द प्रोसीजर। नाउ अगेन रिपीट द प्रोसीजर, वी हैव डैडी मींस 21 डिवाइडेड बाय 3। मम्मी ने कहा मल्टीप्लाई 3 इज मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 21। और सिस्टर ने फौरन सब्ट्रैक्ट किया और आंसर आया 0। ब्रदर ऊपर से ब्रिंग डाउन किया तो कुछ नहीं था, वो सिर्फ 0 नीचे आ लेकर आया, 0 मींस नथिंग। और यहाँ पे हमारा ये लॉन्ग डिवीजन का क्वेश्चन खत्म हुआ। ओके डियर क्लास फेलोज, आई होप आपको लॉन्ग डिवीजन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आप इसकी प्रैक्टिस करें और दूसरों को भी सिखाएं, ठीक है। अगर आपको मेंबर्स की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज जरूर लाइक कीजिएगा, और नए मेंबर्स इसको इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरी आने वाली नई वीडियोस भी जरूर देखिएगा।
इसको फॉरवर्ड कीजिएगा, कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि कैसी लगी ये वीडियो, क्या मैं एक अच्छी ज़हीन बच्ची हूँ।